दोस्तों इसमें बात करने वाले हैं शाहरुख खान की मच वेटेड मूवी जवान के बारे में। दोस्तों आखिरकार फैंस को बेसब्री से इंतजार है इस मूवी का और दुबई में तो इसका एक नेक्स्ट लेवल का क्रेज है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो प्लीज मेरी वीडियो क्लास तक जरूर देखिएगा। साथ साथ में दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। दोस्तों जैसा कि आपको पता है शाहरुख खान की मूवी जवान दुबई में उसका एक नेक्स्ट लेवल का क्रेज है। ये भी पता चला है कि पठान की तरह जवान को भी बुर्ज खलीफा उसका ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। दूसरी बात ये भी है कि शाहरुख खान दुबई के एक ब्रांड एम्बेसडर है, उनका एक फैन फॉलोइंग वहां पर एक नेक्स्ट लेवल का है। जिस तरीके से आपने क्रेज देखा था पठान के लिए, वहां पर किस तरीके से मारामारी थी टिकट के लिए, हाउसफुल थिएटर्स रहे थे और लोग बहुत ज्यादा क्रेजी थे मूवी देखने के लिए। अब ये माना जा रहा है कि शाहरुख खान की जो नेक्स्ट मूवी आने वाली है जवान, वो इस मूवी के रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर सकती है। वो इस साल की सबसे ज्यादा एंटीसिपेटेड मूवी मानी जा रही है। शाहरुख खान की मूवी का इस तरीके से क्रेज काफी दिनों बाद देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले 4 सालों बाद शाहरुख खान की कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुई थी। उसके बाद पठान हुई, पठान ने सारे बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट मूवी आनी थी जवान, जो कि 2 जून को आने वाली थी, लेकिन पोस्टपोन्ड हो गई। VFX का ज्यादा काम भी नहीं हुआ और पोस्टपोन्ड होकर नेक्स्ट रिलीज डेट आती है 7 सितंबर। और इस तरीके से पठान के ट्रेलर बुर्ज खलीफा पे चलाया गया था, उसी तरीके से शाहरुख खान की मूवी जवान का भी टीजर और ट्रेलर बुर्ज खलीफा पे चलाया जाएगा, क्योंकि वहां पर शाहरुख खान के फैंस काफी क्रेजी हैं शाहरुख खान की मूवीज के लिए और शाहरुख खान के लिए, दोनों के लिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है शाहरुख खान की मूवी गल्फ कंट्री में आखिरकार किस तरीके से परफॉर्मेंस देती है? क्या ये मूवी शाहरुख खान की मूवी पठान के रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाएगी? प्लीज कमेंट करके बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।